हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबीता ब्लॉग्स। आज मैं आपको पनीर की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लिया, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैंने गोल मिर्च ली है, इलायची ली है, लौंग ली है, तेज़पत्ता और खड़ी लाल मिर्च ली है, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और कस्तूरी मेथी ली है। तो ये सब्ज़ी मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ज़ी बनाना। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी फटाफट काट रही हूँ, तो चलिए सब्ज़ी काट के मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी कटिंग कर ली है। तो मैंने टमाटर काटे हैं इस तरह, प्याज काटी है, शिमला मिर्च, और ये प्याज भी मैंने एक महीन काटी है। ये मैंने दो तरह से प्याज कटिंग की है, एक तो मैं फ्राई करूँगी उसके लिए है, मैंने क्यूब्स में काटे हैं, और एक प्याज मैंने थोड़ी महीन काटी है, देख सकते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम ऑन करेंगे गैस को। अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। सरसों तेल किसी किसी सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ रिफाइंड डाला है 2 चम्मच के बराबर। तो यहाँ मैंने रिफाइंड गर्म करने के लिए रखा है, तो चलिए रिफाइंड गर्म होता है तब तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो रिफाइंड गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम चेक करेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बस इतना ही। अब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो चलिए जो मैंने महीन प्याज काट के रखी है वो हम इसमें सारी डाल दूँगे। तो अब इसे हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। चलिए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। तो चलिए तब तक हम इंतज़ार करते हैं, तब तक ये गोल्डन ब्राउन होती है। इतनी भूंजी हुई है। अब इसमें मैं डालती हूँ इलायची, गोल मिर्च और ये लौंग डाल दूँगी मैं इसमें, इसी टाइम पे डालना होता है। तो अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे, तब तक हम वेट करते हैं। चलिए इसमें ऐड करेंगे अदरक, जो मैंने घस के रखा हुआ वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब इसे हम अच्छे से, हरी मिर्च भी इसी में ऐड करनी है इसी टाइम पे, तो अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं स्किप इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो समझ में आए कि मैं किस तरह से बना रही हूँ ये सब्ज़ी। तो ये अभी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। चलिए हम देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो ये इस तरह से कलर बदल गया है, देखिए मैंने बीच में हल्का सा स्किप किया है, ज़्यादा स्किप मैंने किया नहीं है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, अब इसमें मैं काजू डाल रही हूँ।
काजू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का भूनेंगे। तो मैंने इसे में लाल मिर्च ऐड की है। अब इसे हम अच्छा से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे जिससे थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम वेट करते हैं, इस टमाटर जब तक गलेंगे तब तक हम वेट करते हैं, इसे भूनते हैं। तो वीडियो को मैंने बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, तो अब हम इससे इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे एक प्लेट में निकाल के। सारी वेजिटेबल्स प्लेट में निकाल दी है, अब इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे जिससे ये ठंडी हो जाए। तब तक हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कढ़ाई वापस से ऑन कर दी है। इसमें वेजिटेबल्स निकालने के बाद थोड़ा सा तेल बच गया था, तो इसमें मैंने फ्राई करने के लिए ऑनियन और कैप्सिकम मतलब प्याज और ये शिमला मिर्च डाली है। इसे हम अच्छे से लाल लाल भूंज लेंगे, इसे हम तलेंगे नहीं। मोस्टली लोग तलते हैं इसे, बट मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, बस हल्का सा कुक करूँगी इसे मैं, जिससे ये गोल्डन कलर का हो जाए हल्का हल्का, और इसकी सारी परतें खुल जाएंगी प्याज की। देखिए ये प्याज की परतें खुल चुकी हैं। तो अच्छे से हम इसे शिमला मिर्च जब हल्की सी सीझ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो आइए हम वेट करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है जिससे ये फटाक से कुक हो जाए। ये कलर तो अच्छा आ ही चुका है, बस ये हल्का सा कुक होना है, तो हम इसे कुक होने देते हैं हल्का सा। तो चलिए तब तक देखिए, तो मैंने यहाँ फ्लेम को थोड़ा कम करके इसे झाँप दिया है जिससे जल्दी से पक जाएगा। तो मैंने इसे, ये पक चुकी है, मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए मैं सारी प्लेट में निकाल लेती हूँ, सारी सब्जियों को प्लेट में मैंने निकाल रख लिया है। जो वेजिटेबल्स है वो हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। उससे पहले मैं ये तेज पत्ता जो मैंने डाला था ये निकाल लेंगे बाहर, हम इसे नहीं पीसेंगे। तो सारी सब्जियां मैं जार में डाल दूंगी। अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए पीस के हमारी ग्रेवी रेडी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हम कढ़ाई रेडी करते हैं इसे चौंकने के लिए। तो कढ़ाई को मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम हल्का सा रिफाइंड डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं कम ऑयल में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने इतना ही रिफाइंड डाला है इसमें। अब हम इसे गर्म होने देंगे, इसे हम हल्का हाई मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखेंगे नहीं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसे अब हम फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। इसमें कुछ नहीं डालना है, बस कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसमें अब सीधे हम जो ग्रेवी बनाई है हमने वो सारी ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें सारी ग्रेवी डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हल्का हल्का भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो मैंने जो कड़ी पत्ता निकाला था, तेज पत्ता जो मैंने निकाला था बाहर, वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो हम इसे भून लेते हैं।
तो ये हमारे ग्रेवी भून के रेडी है, तो हम इसे अच्छे से और भून लेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाए। तो इसी टाइम हम इसमें डालेंगे जो हमने कसूरी मेथी रखी थी, उसे हाथ से क्रश कर लिया है, तो इसे मैं डाल रही हूँ। ये कहाँ से, मुझे वीडियो शूट करना होता है इसलिए मैंने पहले ही क्रश करके रख लिया। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे जब तक ये ऑयल ना बाहर छोड़ दे। देखिए ये ग्रेवी रेडी है हमारी, ये ऑयल इसमें सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा, मतलब ग्रेवी के लिए मैं इसमें दूध ही ऐड करती हूँ, तो आप भी दूध ही ऐड करें, दूध से ग्रेवी का थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पानी ना ही डालें तो अच्छा रहेगा, पानी अवॉइड करें। तो मैंने, अगर आपको डालना ही है तो अगर छेने का पानी हो तो वो ठीक रहेगा, लेकिन आप पानी ना ऐड करें। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं भी थोड़ा छेना का पानी डाल रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करके कुक करके रखा है ना, वो वाला मैं इसमें डाल दूँगी सारा। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस ज़्यादा करेंगे जिससे सब्जी कुक हो जाए। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर रहे हैं, चीनी से थोड़ा स्वीटनेस आ जाती है सब्जी में जिससे टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसमें हम पनीर डाल रहे हैं जो कि मैंने घर पे ही बनाई है। ये पनीर की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं ये रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने घर में पनीर कैसे बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनती है, इसे हल्के हाथ से ही चलाना होता है, नहीं तो सारी पनीर टूट जाएगी। तो मैं ये पनीर इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, तो इसमें हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ जो मैंने फेंट ली है अच्छे से, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने हाफ कप डाला है मलाई, फेटी हुई मलाई को। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ये सब्जी दिखेगी आपको। वो एक हाथ से शूट करने पे उस तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, आधा वीडियो दिख रहा है आधा नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हमारी सब्जी बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप लोग को ये कैसी लगी रेसिपी। आप लोग ट्राई करें और मुझे अपनी कमेंट ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को सब्जी कैसी टेस्ट लगी सब्ज़ी की। बाय, टेक।